हम देवप्रयाग में, देवप्रयाग में ये नीला पानी, सर बताइए ये नीला पानी गंगात्री है या भागीरथी? तो सामने आप देखेंगे अलग लगता है और ये भागीरथी, नीला पानी भागीरथी। मगर ग्राउंड रिपोर्ट जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा है, क्या गंदे पानी का देवप्रयाग शहर का जो गंदा पानी है क्या वो गंगा में जा रहा है? हम रियलिटी टेस्ट करते हैं, आप खुद देखिए। ये आप घुमाएंगे स्क्रीन तो आपको दिखेगा, सामने से एक पाइप आ रहा है, वो पाइप जो है उस पाइप से आप देखेंगे तो पानी इधर आ रहा है, इधर पानी। ये जो काला पानी असल में हम जहाँ खड़े हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, एक ऐसा प्लांट जो पानी को, गंदे पानी को साफ करने के लिए बनाया गया, यानी कि आसपास के जितने भी नाले हैं उसको साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बनाया गया। उसका बेसिक सबसे छोटा स्वरूप आप देख रहे हैं। सर ये कितना सीवेज ट्रीट करता है? 150 किलो लीटर पर डे, यानी 150,000 लीटर हर रोज ये जैसे हम खड़े हैं वो ट्रीट करता है, साफ करता है नाली का पानी। मगर वो कैसे करता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे। वो सबसे पहले पानी उस जाली में आता है जो आपके सामने है, वहाँ से आप देखते हैं जाली सा लगा है जहाँ से सॉलिड पानी, यानी कोई कचरा हो, धूल पत्ती हो, कोई सॉलिड वेस्ट हो, कोई प्लास्टिक हो, वो सारा का सारा वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ आपके सामने, फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होने के बाद ये आप देखते हैं एक टंकी में आ जाता है जिसको एरेशन टैंक कहते हैं। हमने सुबह प्लांट दिखाए थे, वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपको और सारे एरेशन टैंक दिखाए थे। मगर ये कितना स्वरूप है उसी एरेशन टैंक का? सर इसमें क्या हो रहा है मुझे बताइए, जो बुलबुला सा उठ रहा है क्या है इसमें? जी रखा जाता है यहाँ पे। असल में दो टैंक है इसमें, हम आपको दिखा पा रहे हैं। जो दूसरा टैंक है इसमें आप देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ पड़ा हुआ है। तो असल में हो क्या रहा है कि ये जो थोड़ी देर के लिए रखा हुआ है इसमें ना धीरे धीरे करके जो बैक्टीरिया है वो नीचे सेटल हो जाता है और जो साफ पानी है वो ऊपर आ जाता है। तो ऊपर में कचरा है उसके बाद तो पहले हम एक कंपेरिजन देखते हैं गंदे पानी का और साफ पानी का। तो कुछ इस तरीके का गंदा पानी आता है और कुछ इस तरीके का साफ पानी इस छोटे से ट्रीटमेंट प्लांट से होता है। गंगा की स्वच्छता के लिए ज़रूरी है कि हर हिस्से में ऐसे गंदगी फैलाने वाले जो नाले हैं उसको रोका जाए। और पानी जल्दी से निकलने के बाद इस टंकी में जाता है। ये टंकी जो है वो फाइनली गंगा में जाने से पहले, गंगा में गंदा पानी जाने से पहले, ये बिल्कुल साफ पानी को भी हमने इसमें डाल दिया। ये क्लोरीनेशन होता है। क्लोरीनेशन कैसा होता है? ये पाइप आप देखिए, ये पाइप जो सफ़ेद रंग का ये पाइप है, असल में ये क्लोरीन का पाइप है। क्लोरीन का पानी ये इंश्योर करता है कि कोई बैक्टीरिया जो है वो उसमें, गंदा पानी जो है, गंदगी जो है, इन्फेक्शन जो है वो गंगा में ना जाए। गंगा की ये शुरुआती जगह है, ये भगीरथी है, भगीरथी का कलकल करता हुआ पानी है और कलकल करते हुए पानी के बीच एक ये स्थान है। हम एक और चीज़ अभी आपको दिखाएंगे, आप देखिए अपने सामने, आंखों के सामने आप देखेंगे पीले रंग का बिल्डिंग है। तो जो पीले रंग का बिल्डिंग है और जो टावर नुमा बना हुआ है और नीले रंग का टंकी लगा है, वो असल में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। वैसे ही एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, अभी हम खड़े हैं और वो दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है।
ये 75 LD का है, यानी 75 किलो लीटर पर दिन, यानी 7.5 लाख लीटर हर रोज़ ये अकेला एक छोटा सा जो टावर नुमा बिल्डिंग आपको दिख रहा है वो साफ कर सकता है। तो ये बड़ा ही मोबाइल सा टेक्नोलॉजी है जो यूज करता है, गंदगी है वो ना जाए। और तो आपको हम यहाँ पे दिखाया गंदा पानी और किस तरीके से ये इंश्योर हो रहा है गंगा में कोई भी गंदगी ना जाए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर हमें बताइए, हम एक बार देखते हैं अगर आप में से किसी ने कोई सवाल पूछा है। अब तक तो कोई सवाल नहीं है। अगर आपको कुछ देर और माँ गंगा का जो पवित्रतम रूप है, जो नीला पानी है, वो देखना है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पे ये भागीरथी का पानी है जो आ रहा है, बिल्कुल साफ पानी, बिल्कुल एक माँ गंगा का ये रूप देखना एक अपने आप में सौभाग्य की बात है। और ये पानी ऐसा ही बना रहे हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब उत्तराखंड से निकल के पश्चिम बंगाल तक ऐसे ही शुद्ध पानी जा सके, इसी के प्रयास में नमामि गंगे इतनी प्रयास कर रही है, जिसके अलग अलग वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको देवप्रयाग के दूसरे सीवेज प्लांट में दिखाया था, जहाँ पौधों की मदद से, पौधों से गंदा पानी जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है, वो साफ किया जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमेटिक जो है, सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर कहते हैं उस टेक्नोलॉजी को, जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बैक्टीरिया की मदद से इसको साफ किया जा रहा है। बड़े ही मोबाइल तरीके से, बहुत ही हाई क्वालिटी के इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी कम से कम जगह में इस्तेमाल करके इसको साफ किया जा रहा है। आप सामने एक और फिर से जाना चाहूँगा, गंदगी गंदे नाले के पानी जैसे उसके ऊपर आप देख रहे हैं कई सारे घर, तो उन घरों से जो गंदा निकलना हुआ पानी है वो साफ़ हो, वो गंगा में ना जाए, उसके लिए ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो छोटे छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि गंगा किस तरीके से यहाँ निर्मल है, और हम चाहेंगे कि गंगा हमेशा ऐसे ही निर्मल बनी रहे। हमारा प्रयास है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का ये प्रयास है कि गंगा को इसी तरीके से शुद्ध रखा जाए। अगर कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।